देखिए, ये शहर के अंदर जहाँ पर बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन तक खाना नहीं पहुँच पाता है, अभी जिन जो रोज कमाते हैं और खाने की अपनी व्यवस्था करते हैं, ये वो लोग हैं। अजमेर शहर के अंदर कई भामाशाह दानदाता जो स्वयंसेवी संस्था। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। हैं, पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, इन तमाम लोगों ने अब एक कदम उठाया है, और उस कदम के बाद में ये तस्वीर जो आपके सामने नजर आ रही है, ये लोग अब लोगों को, ऐसे लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, खाने की मदद की जा रही है इन लोगों को। इनकी और जो जरूरतें हैं, जैसे कि सैनिटाइजर हुआ या फिर साबुन हुआ या इसके साथ में मास्क हुआ, वो इनको दिया जा रहा है। ऐसे लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अपील तमाम प्रदेश के वासियों से की थी कि ऐसे लोगों का खास ध्यान रखा जाए, प्रदेश के अंदर कोई भी भूखा ना सोए, भूखा ना रहे। और उसी कड़ी के अंदर अब जो अजमेर शहर के दानदाता हैं, भामाशाह हैं, ऐसे लोग निकल के सामने आ रहे हैं। लोग अपने स्तर पर वॉलंटियर कर रहे हैं इस वक्त, इस समय जब देश में कोरोना महामारी है, और ऐसे वक्त के अंदर लोग बाहर निकल कर जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन तक खाना पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं। एक टीम नगर निगम की टीम ने भी एक टीम बनाई है, जिसमें उन्होंने कुछ लिस्ट मांगी है, उन्होंने कुछ नाम मांगे हैं कि अगर उनके आसपास कोई असहाय या गरीब व्यक्ति रहता है जिस तक खाना पहुंचाना है, तो वार्ड पार्षद से संपर्क किया जा सकता है। क्योंकि अजमेर के मेयर ने एक टीम बना दी है कि तमाम पार्षदों को अपने अपने इलाके के अंदर ऐसे लोगों को चिन्हित करना है और उन तक खाना पहुंचाना है। इसके लिए मेयर ने एक व्यवस्था भी की है, एक जगह के ऊपर खाने के पैकेट पूरे तैयार हो रहे हैं। उन खाने के पैकेट तैयार होने के बाद में जो जानकारी, जो चिन्हित लोगों की जानकारियां आएंगी, उन लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। और उसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि यूनाइटेड अजमेर की कीर्ति पाठक हैं, वो भी इस समय शहर के कई इलाकों को उन्होंने चिन्हित किया है और वहां पर जाकर लोगों तक खाना पहुंचा रही हैं। उनकी भी एक टीम है जो जगह जगह पर जाके खाना पहुंचाने का काम कर रही है। उनको भी जो शहर के बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने कुछ दान दिए हैं, जिसमें जोयल इंडस्ट्री का नाम आ रहा है, सदगुरु ग्रुप का भी नाम आ रहा है। इन्होंने अपनी ओर से मदद कर कर इनको कुछ सामान मुहैया कराया है। जो आम लोगों तक खाने के फूड के पैकेट है, वो वितरित करने में कहीं ना कहीं अहम योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री राहत कोष जो बनाया गया था इस वक्त COVID-19 का, उसके अंदर एक बड़ी खुशखबरी है कि करोड़ों रुपए इस वक्त सरकार के उस खजाने के अंदर आए हैं, जिससे इस महामारी के दौरान लड़ने में एक बड़ी मजबूती सरकार को मिलेगी। प्रशासन को, सरकार को ये उम्मीद है कि बाकी जो प्रदेश के तमाम और भी लोग हैं, वो उस राहत कोष के अंदर फंड देंगे, और मुख्यमंत्री जो इस तरीके से पहल इस वक्त कर रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं राहत पहुंचाएंगे। क्योंकि ये ऐसा वक्त है महामारी का, जब सरकार को हेल्थ इमरजेंसी पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लागू है, और ऐसे में उनको जो मेडिकल से जुड़ी हुई जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो उत्पाद हैं, वो खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में फंड की कहीं कमी ना रहे। क्योंकि एक तस्वीर सामने नजर आई थी कि केंद्र और राज्य दोनों का जो आपसी टकराव होता है, केंद्र से कुछ फंड के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो उस फंड को इंतजार ना किया जाए। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर एक राहत कोष तैयार किया था COVID-19, और इसी के अंदर तमाम लोग, प्रदेशवासियों से अपील की है मुख्यमंत्री ने कि वो उसके अंदर फंड को, उसके अंदर दान दें, दान अपने करें राशि को, जिससे कि लोगों की सेवा की जाए और किसी प्रकार की कमी इस समय, इस महामारी से लड़ने में सरकार को ना आए। एक्चुअली क्या है कि प्रशासन का सहयोग साथ में लेते हुए और अपने साथ बहुत जने जुड़े हुए हैं, तो अजमेर के कुछ एक जागरूक नागरिक जो विभिन्न मतलब पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं, आम नागरिक भी हैं, वो सब मिलकर के उनको ये भावना थी कि इस ऐसे वाले आपदा के समय में हम लोगों को, जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं और जो झुग्गियों वगैरह में रहते हैं, उनके पास अभी खाना ना वो स्टोर कर पाएंगे और वो, उनके पास वो सुविधा नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग खाना लेकर के आए हैं। अक्षय पात्र का सहयोग है इसमें, और अपने ये जो हैं चोयल इंडस्ट्रीज़ का सहयोग है। अब बीच के अंदर कट कर लेना है ना, तो उसमें वो कौन सी, वो वाली कौन सी है इनकी, सतगुरु ग्रुप का हमारे को साथ है, और राजेश जादव जी, तो हम लोग मिलकर के कर रहे हैं। और जने भी जुड़ रहे हैं इसमें, जैसे लघु उद्योग भारती है, वो भी जुड़ करके अब सब जने मिलकर के ये सहयोग कर रहे हैं। इससे जो भी झुग्गी झोंपड़ी में है, उन सबको खाना दिया जा रहा है, एक वक्त का खाना हम दे रहे हैं। और आप सबसे विनती है ये कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी जना हो, तो MTTV के माध्यम से हमारे को सूचित करें, जिससे हम और जनों को और खाना दे सकें। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें।
इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।